Hello students, I hope you all are doing good. And in this video, we will discuss IELTS writing task 2 essay. And this essay is from your real IELTS exam, जो कि 18 January 2024 को हुआ था. And the statement is, some people think that it is a good thing for senior managers to have much higher salaries than the other workers in a company. To what extent do you agree or disagree? Meaning क्या है स्टेटमेंट का, कि कुछ पीपल हैं वो थिंक करते हैं कि ये अच्छी बात है कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको हायर सैलरीज मिलती है देन अदर वर्कर्स, कि जो जूनियर स्टाफ होता है सो उसके कंपैरिजन में जो सीनियर स्टाफ होता है उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है. सो ये कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छी बात है. टू वट एक्सटेंट मीन्स किस हद तक आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो. सी, अगर तो आपको लगता है कि ये सही बात है कि सीनियर मैनेजर्स को ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जूनियर स्टाफ, सो आप इससे 100% अग्री कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि ये फेयर नहीं है देन आप डिसअग्री भी कर सकते हो. सो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है. द थिंग इज़ कि आपके पास कौन सी साइड के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं. जिस साइड के आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं आप उस साइड पे जाया करो. सो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम. बिकॉज इस चैनल पे सभी वीडियोज़ को फॉलो करके आप 7+ बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में. नाउ फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन राइट करते हैं ऐसे में. सो उसके लिए जो हमें गिवन स्टेटमेंट होती है उसको हमने पैराफ्रेज करना होता है. सो पैराफ्रेजिंग के टाइम पे आप या तो कुछ वर्ड्स चेंज किया करो या फिर आप सेंटेंसेस को भी चेंज कर सकते हो, बट जो मीनिंग होता है पैराफ्रेजिंग के बाद स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहना चाहिए जो कि गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है. पैराफ्रेजिंग के बाद भी मीनिंग सेम रहना चाहिए. मोर ओवर जैसे आप ट्राई किया करो कि जिस टॉपिक पे आपको इंट्रोडक्शन गिवन होती है उस टॉपिक के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में कोई जनरल लाइन ऐड कर सको, सो दैट एग्जामिनर को लगे कि इनको एक्स्ट्रा नॉलेज है, इन्होंने डिटो गिवन स्टेटमेंट को कॉपी नहीं किया इंट्रोडक्शन में. सी, हमारे पास स्टेटमेंट हायर सैलरीज के रिगार्डिंग है. सो हम ट्राई करते हैं कि हायर सैलरीज के रिगार्डिंग एक जनरल लाइन ऐड कर दें. इट इज़ अनडिनाइबल दैट, कि इसमें कोई शक नहीं है, हायर सैलरीज आर सिग्निफिकेंट टू मोटिवेट पीपल टू वर्क हार्डर. कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हायर सैलरीज हैं वो सिग्निफिकेंट है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है लोगों को मोटिवेट करने के लिए. सो दैट वो सो इन ऑर्डर टू मोटिवेट सो दैट दे कैन वर्क हार्डर, ठीक है, सो दैट वो हार्ड वर्क कर सकें. नाउ वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट. सम इंडिविजुअल्स ओपाइन दैट इट इज़ अ गुड थिंग फॉर सीनियर एम्प्लॉयज टू गेट हायर रिम्यूनरेशन एज अगेंस्ट द अदर एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आई फर्मली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और यू कैन से विद दिस व्यू. सी, हमने पैराफ्रेजिंग करी, कैसे करी है. उन्होंने बोला था कि सम पीपल थिंक दैट, उसकी प्लेस पे हमने राइट कर दिया सम इंडिविजुअल्स, पीपल की प्लेस पे हमने चेंज करके इंडिविजुअल्स राइट कर दिया, थिंक की प्लेस पे हमने राइट किया ओपाइन दैट. सो इट इज़ अ गुड थिंग सेम फॉर सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स की प्लेस पे हमने राइट कर दिया सीनियर एम्प्लॉयज़. टू गेट हायर रिम्यूनरेशन, हायर सैलरीज, सैलरी का सिनोनिम हमने ये राइट कर दिया. देन ये कंपैरिजन था अदर वर्कर्स से, सो कंपैरिजन की प्लेस पे हमने राइट कर दिया एज अगेंस्ट द अदर एम्प्लॉयज़. उन्होंने राइट किया था अदर वर्कर्स, हमने राइट कर दिया अदर एम्प्लॉयज़. उन्होंने राइट किया था इन अ कंपनी, हमने राइट कर दिया इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ तक तो हमने पैराफ्रेजिंग कर दी. नाउ उन्होंने क्वेश्चन दिया था टू वट एक्सटेंट, किस हद तक आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो. सी, आपने इंट्रोडक्शन में अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है. सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत सही बात है कि जो हायर होते सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए.
सो मैंने राइट किया आई फर्मली अग्री विद दिस व्यू, कि मैं पूरी तरह मीन्स 100% अग्री करती हूँ. सो अग्री करते हो आप अग्री राइट करोगे, डिसअग्री करते हो तो डिसअग्री राइट करोगे. अगर तो 100% अग्री करते हो देन आप वर्ड राइट करोगे फर्मली. अगर आप पार्शली राइट करते हो देन आप समवट वर्ड का राइट कर सकते हो, आई समवट अग्री विद दिस व्यू. सो ये थी हमारी स्टेटमेंट मीन्स इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1. एट द आउटसेट इट इज़ अ गुड थिंग इफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स हायर सैलरीज टू द सीनियर वर्कर्स. सी, आपके बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप किस साइड को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, मीन्स आप किस साइड के फेवर में हो. सो स्टार्टिंग लाइन से क्लियर है कि ये अच्छी बात है अगर ऑर्गेनाइजेशन सीनियर वर्कर्स को हायर सैलरीज ऑफर करें. सो यहाँ से एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट के फेवर में है. सो उसके अबाउट ये एक्सप्लेन करेंगे. मोर ओवर गाइज, एक बॉडी पैराग्राफ में आपने 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है. जहाँ तो आप 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे एक बॉडी पैराग्राफ में, जहाँ फिर आपके पास एक और ऑप्शन होती है कि एक बॉडी पैराग्राफ में आप एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दो प्लस उसी पॉइंट के रेलेवेंट एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो, तो ये सफिशिएंट है एक बॉडी पैराग्राफ के लिए. वंस अगेन, क्या बोला मैंने कि एक बॉडी पैराग्राफ में जहाँ तो आप 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, बट एक और ऑप्शन होती है आपके पास कि एक बॉडी पैराग्राफ में एक पॉइंट एक्सप्लेन करो प्लस उस पॉइंट के रेलेवेंट एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो, ये सफिशिएंट है एक बॉडी पैराग्राफ के लिए. सो अगर आप एग्जांपल ऐड करते हो ना, सो इससे आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है. सो आप ट्राई किया करो अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एग्जांपल इंक्लूड करने का, एंड एग्जांपल का मीनिंग होना चाहिए. सो रियल लाइफ से लिया करो एग्जांपल को आप, ठीक है. Now we will explain this side. Most organizations pay higher salaries to the employees holding senior management positions, and this is because these posts have lots of responsibilities. कि काफ़ी सारी organizations हैं जो pay करती हैं higher salaries to the employees जो कि hold करती है senior management posts, और we can say senior management positions. ये कौन से वाली पोजीशंस होती है, मींस जो हायर अथॉरिटीज़ पे होती हैं, है ना, मींस सीनियर स्टाफ की. एंड ये क्यों पे करती हैं हायर सैलरीज, बिकॉज ये सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं ना, और वी कैन से पोस्ट्स होती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो काफ़ी सारी होती हैं. सो इन पर्सन की जो हायर स्टाफ होता है, सीनियर स्टाफ होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं. सो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको ज़्यादा सैलरीज पे करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सो इस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोला ना कि उनकी लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सो इसके फेवर में हम एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द ब्रांच मैनेजर ऑफ अ कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ऑपरेशन ऑफ द एंटायर ब्रांच, वेयर एज जूनियर एम्प्लॉयज ओनली हैव टू टेक केयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स. कि अगर हम ब्रांच मैनेजर की बात करें, ये सीनियर स्टाफ में आ गया, ऑन दी अदर साइड जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं. कि ब्रांच मैनेजर की बात करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एंटायर ब्रांच को ही उसने देखना होता है, बट दूसरी साइड पे जो जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्होंने सिर्फ अपनी जॉब को ही देखना होता है. सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं. हैंस ओइंग टू देयर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देयर हायर सैलरीज आर जस्टिफाइड. कि जैसे जो सीनियर पोस्ट्स होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा करके उनकी हायर सैलरीज जस्टिफाइड है. सो ड्यू टू की वो कैब क्या राइट की हमने, ओइंग टू. नेक्स्ट एक पॉइंट तो एक्सप्लेन कर दिया कौन सा, कि हाँ जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो उनको सैलरीज भी ज़्यादा मिलनी चाहिए. मोर ओवर, सीनियर एम्प्लॉयज टेंड टू स्पेंड देयर सो मैनी ईयर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कि जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होती है वो काफ़ी सारे अपने ईयर्स को स्पेंड करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. सो दे गेट इंक्रीमेंट एवरी ईयर.
देयर इंक्रीमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हायर सैलरीज़, कि जैसे वो काफ़ी सारे अपने ईयर्स स्पेंड करते हैं सो उनको एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी में, मीन्स एवरी ईयर उनकी सैलरी का कुछ कुछ परसेंटेज उनको नेक्स्ट ऐड होता है उनकी सैलरी में, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। सो जैसे जैसे एवरी ईयर उनका इंक्रीमेंट ऐड होता जाता है सैलरी में, देन ऑब्वियसली उनकी सैलरी इंक्रीज़ होएगी। सो वही हमने राइट किया कि उनका इंक्रीमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है उनकी हायर सैलरीज़ के लिए। सो दिस इज़ आवर बॉडी पैराग्राफ वन, नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ टू। जैसे कि हमने स्टेटमेंट से फर्मली अग्री किया था, मीन्स 100% अग्री किया था, सो हम दोनों बॉडी पैराग्राफ्स स्टेटमेंट के फेवर में एक्सप्लेन करेंगे। सो बॉडी पैराग्राफ टू स्टार्ट करने से पहले हमने लिंक राइट किया फर्दर मोर। फर्दर मोर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन आर अदर फैक्टर्स दैट मेक इट पॉसिबल फॉर द सीनियर स्टाफ टू क्लेम हायर पे, कि जो एक्सपीरियंस है एंड एजुकेशन है वो अदर फैक्टर्स हैं कि जो सीनियर स्टाफ के लिए पॉसिबल करता है हायर पे को क्लेम करने के लिए। सीनियर एग्जेक्टिव्स, कहीं पे हमने सीनियर स्टाफ वर्ड राइट कर दिया, कहीं पे हमने सीनियर एग्जेक्टिव वर्ड राइट कर दिया, सो हम चेंज कर करके वर्ड्स को राइट करेंगे। सीनियर एग्जेक्टिव्स जनरली हैव मोर एक्सपीरियंस which enables them to understand how a company can survive during the hard times, कि जो senior executive होते हैं उनके पास experience ज़्यादा होता है जो कि उनको enable करता है so that वो understand कर सके कि एक company कैसे survive कर सकती है during hard times। they tend to devote many years to retain their position in the same company, कि वो अपने काफ़ी सारे ईयर्स देते हैं अपनी पोजीशन को रिटेन करने के लिए सेम कंपनी में। सो ये भी पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। सो कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लेन किए, इसमें हमने किया था कि उनकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड उनका इंक्रीमेंट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनकी हायर सैलरीज़ में। इसमें हमने एक्सप्लेन किया कि उनका एक्सपीरियंस है, उनकी एजुकेशन है, वो रिस्पॉन्सिबल है उनकी हायर सैलरीज़ के लिए, है ना। सो जैसे कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, स्किल्स ज़्यादा है, देन उनको सैलरीज भी तो ज़्यादा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, सो नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिंकर यूज़ किया। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, बिसाइड्स एज सीनियर इम्प्लॉयज़ अर्न मोर, सो दिस थिंग विल मोटिवेट द जूनियर इम्प्लॉयज़ टू गेट हायर पोस्ट्स। जैसे कि सीनियर इम्प्लॉयज़ हैं वो उनको पे ज़्यादा मिलती है, सो उसके लिए हमने राइट किया दे अर्न मोर। सो ये वाली चीज़ मोटिवेट करेगी जूनियर इम्प्लॉयज़ को भी वो वाली हायर पोस्ट्स लेने के लिए, अचीव करने के लिए। इन दिस वे, सो ऐसे आप लिंकर्स यूज़ किया करो नेक्स्ट लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए। इन दिस वे जूनियर वर्कर्स विल वर्क हार्डर इन ऑर्डर टू कम्पीट अदर्स, कि इस वे में विल वर्क हार्डर सो दैट वो अदर्स को कम्पीट करके सीनियर पोस्ट को अचीव कर सके। सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द जूनियर इम्प्लॉयज़ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वो ज़्यादा वर्क करेंगे, है ना, कंपनी में। सो ये एक तो कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होएगा, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होएगा, प्लस जूनियर इम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल होएगा। Hence the salary difference is a good thing for the progress of a company. So again हमने conclude कर दिया इस body paragraph को कि हाँ जी, जो salary difference है वो अच्छी बात है, इससे क्या company की progress होती है। So now we will conclude this essay. So उसके लिए हमने linker use किया। In conclusion, it is imperative that senior employees have higher pay scale as against the other workers of lower positions in the same company, कि ये imperative है। imperative means important है, कि जो senior employees हैं उनका higher pay scale होना चाहिए, as against means as compared to other workers से comparison में जो कि lower positions पे हैं। इन माई व्यू, सो कंक्लूजन में भी आपने अपना व्यू देना है, जैसे कि आपने स्टेटमेंट में व्यू देती हो ना अग्री के टाइम पे, सो कंक्लूजन में भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना है बेस्ट वे में।
सो उसके लिए मैंने राइट किया, इन माई व्यू ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑफर हायर सैलरीज टू देयर सीनियर स्टाफ मेंबर्स बिकॉज दीज एम्प्लॉयज हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल्सो दे होल्ड मोर एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द जूनियर स्टाफ, देयर इंक्रीमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हैंस देयर हायर सैलरीज और वी कैन से देयर हायर पे इज़ जस्टिफाइड। सो यहाँ पे एस नहीं आएगा हायर के साथ, ठीक है, वो करेक्शन कर लेना। सी कि मेरे व्यू में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़रूर ऑफर करनी चाहिए हायर सैलरीज सीनियर स्टाफ मेंबर्स को, बिकॉज ये वाले एम्प्लॉयज़ मीन्स सीनियर स्टाफ होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, प्लस उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जूनियर स्टाफ, प्लस उनका इंक्रीमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हैंस जो उनका हायर सैलरीज है वो जस्टिफाइड है। सी स्टूडेंट्स, एक तो आपने कंक्लूजन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर एक्सप्लेन करना है, प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग और वी कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंक्लूजन में क्या करना है आपने, जो आपने पॉइंट्स अपने बॉडी पैराग्राफ वन एंड टू में एक्सप्लेन किए हैं उनको अगर आप कंक्लूड करके अपने कंक्लूजन में राइट करते हो, देन इससे आपका 0.5 बैंड स्कोर डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के 6.5 आते हैं तो उनके फाइनल में 7 आ जाएंगे अगर आप ऐसे पॉइंट्स को कंक्लूड करके कंक्लूजन में राइट कर दोगे। कैसे करना है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था ना बॉडी पैराग्राफ वन में कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है सीनियर स्टाफ की, सो उसके लिए उनको हायर सैलरीज मिलनी चाहिए, सो वो वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, राइट कर दिया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, प्लस हमने एक्सप्लेन किया था कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, सो वो भी राइट कर दिया, प्लस हमने बॉडी पैराग्राफ में रीज़न दिया था कि उनका इंक्रीमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण उनको हायर सैलरीज मिलती है, सो ये भी हो गया, सो हैंस हमने कंक्लूड कर दिया कि उनकी हायर पेज जस्टिफाइड है, सो सही बात है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो उनको पे भी तो ज़्यादा मिलनी चाहिए एंड उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इससे वो कि किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, है ना, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, सो उनके पास इंटायर ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एसे, आई होप यू गाइज विल लाइक दिस, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।